लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूं तो जिंदगी के सफर में कई आंधी और तूफानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस मासूम और अनाथ बच्चे की जिंदगी में एक तूफान और भी है, और वो तूफान है इसकी मजबूरी, लाचारी और अकेलेपन का एहसास। अमन। फादर। बेटे तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? फादर, सब बच्चों से मिलने या उन्हें लेने कोई ना कोई जरूर आता है, लेकिन मुझसे मिलने या लेने कोई नहीं आता। क्यों, क्या मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है? है ना माय सन, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता ना, उसका वो होता है। उसे भी इजाजत मांग लेंगे क्या? श्रीमान देखने वाले, क्या हम अपनी इकलौती पत्नी से प्यार कर सकते हैं? क्योंकि इजाजत मांगने की तो हमको आदत सी हो गई है। शादी से पहले प्यार करने की इजाजत, शादी करने के लिए तुम्हारे माँ बाप से इजाजत, फेरे लेने के लिए पंडित जी से इजाजत, और एक साल के बाद मुन्ना से इजाजत, पालने में डाल के रोज पालना हिलाना पड़ता था। क्या महाराज सो जाइए, हम यहाँ जा सकते हैं? शादी से पहले जब नए नए मिले थे तो ऐसा लगता था जैसे मुंह में जुबान ही नहीं है। वो तो अभी नहीं। जाओ जाओ,
और अब 100 तोते एक तरफ और तुम एक तरफ। तोते? नहीं तो कौन कहेगा कि तुम सेठ राजीव वर्मा हो, वर्मा स्टेट के मालिक और एक 12 साल बच्चे के बाप। 12 साल? अरे हाँ, 12 साल से ज्यादा। वो हमारा 12 साल का बच्चा है कहाँ, वो बिगड़ा हुआ रईस। अपने दोस्त से मिलने गया है। अच्छा, जब से ये नया दोस्त मिला, पुराने दोस्त को भूल ही गया। गुड मॉर्निंग डैडी। आइए। हेलो मम्मी। हेलो डैडी। हेलो बेटा। डैडी, ये मेरा जिगरी दोस्त अमन। हेलो आंटी। हेलो अंकल। कहाँ रहते हो तुम बेटे, क्या करते हैं तुम्हारे मम्मी डैडी? मेरे दुनिया में कोई भी नहीं, मैं फादर डीमेलो के पास रहता हूँ। नहीं डैडी, ये झूठ बोलता है, इस दुनिया में मैं इसका हूँ। मैं तेरे जिसके तुम हो उसके हम हैं, हम। ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। डैडी, डैडी, अमन को साथ नहीं लाए? उसने आने से इनकार कर दिया बेटे। इनकार कर दिया? अरे कहाँ जा रहे हैं तुम? नहीं कमला, जाने दो उसे। हाँ, जो काम हम बड़े नहीं कर सके वो आकाश का प्यार कर दिखाएगा। चलेगा कि नहीं? चलूंगा बाबा, चलूंगा। वो मेरी कठनी गिर गई, वो ढूंढ रहा हूं। ये क्या हो रहा है? नहीं, इसकी चवनी गिर गई, मेरी अठनी गिर गई, हम लोग वो ढूंढ रहे थे। अच्छा, अब तुम दोनों बाहर निकलो, मैं ढूंढ के देती हूँ। चलो उठो। अरे कान निकल जाएगा, कान तो छोड़। तुम पहले उठो, चलो। तू बाहर निकल, पिटवाएगा किसी दिन। आओ बाहर। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। मैं क्या का सुभान अल्लाह, मैं तो बिल्कुल माशाल्लाह हूँ। सब तेरी वजह से, तेरी वजह से मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। मेरी वजह से आपको गाली नहीं पड़ी, आपकी वजह से मुझे गाली पड़ रही है। बताओ यार। एक्सीलेंट अमन, ये इतने सारे कप, ये शील्ड तुमने अकेले नहीं जीते? आई एम प्राउड ऑफ यू, कमाल कर दिया तुमने। इसमें कमाल की क्या बात है बाबा, ये तो आप दोनों के आशीर्वाद का नतीजा है। अमन,
तू तो हमेशा ही कमाल करता है, मगर अपने इस नालायक बेटे से पूछो ये क्या लाया है। क्या बोला क्या बोला? डैडी मुझे मालूम था मम्मी मुझसे यही सवाल करने वाली है, लेकिन मैं खाली हाथ थोड़ी आया हूँ। अगर अमन कप लेके आया है तो मैं प्लेट लेके आया हूँ। ये देखो, अब बोलो, अब बोलो, बोलो, बोलो। देख लिया अपने नौनिहाल बेटी की करतू, अमन कप लाया है और ये प्लेट। अरे समझाइए, 24 साल का हो गया हूँ मैं। जाने दो 24 साल हो गए, आज के लिए इतना काफी है। दोबारा गलती करे तो इसी को माना मुझे नहीं। ये लो प्लेट और चाय लेकर। ये नहीं सुधरने वाला यार, तू अपने साथ मुझे भी पिटवाएगा। देख लिया आपके लाड प्यार ने इसे कितना बिगाड़ दिया है। डैडी आपका डायलॉग मालूम है, सीधा खड़ा रहे। लाड प्यार से कोई बिगड़ता है क्या? प्यार तो हम भी तुमसे बात करते हैं, तुम बिगड़ी क्या? बच्चे खड़े शर्म क्या है भाई, हंसने क्या बात है, हमें तो ऐसे ही। थैंक यू वर्मा कंस्ट्रक्शंस के वफादार और होनहार मुलाजिमों, आज मैं आप लोगों की मुलाकात अपने बेटों से करवाता हूं। ये है अमन, अमन वर्मा, और ये और है, मैं हूं आकाश, आकाश वर्मा। अच्छा आप ही बोल दीजिए। बचा क्या बोलने के लिए? मैं भूल ही गया क्या बोलना था। खैर, तो मेरा कहना ये था कि जिस तरह आज तक आप लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, कंपनी की बुनियादों को मजबूत किया है, आज के बाद इन दोनों का भी उसी तरह साथ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए, ये रहा वर्मा कंस्ट्रक्शंस का ऑफिस, कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के क्या करूंगा? अरे क्या करूंगा मतलब, अरे सामने टेलीफोन है, हाथ में उंगलियां हैं, शहर में लड़कियां हैं, घुमा तेरा और बस। परमिशन ग्रांटेड? अरे बिल्कुल। यू आर द ग्रेटेस्ट डैड इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, एंड यू आर द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड। अरे ये क्या है बेटा? बाबा, मैंने देवी देवताओं के बारे में सुना जरूर था लेकिन देखा नहीं, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो आप दोनों से पढ़कर नहीं हो सकते। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? बाबा, इस लावारिस को आपने अपना नाम देकर जो इज्जत दी है, वो ऐसा एहसान है जिसका कर्ज में जिंदगी भर नहीं उतर सकता। कर्ज? हमारे प्यार को कर्ज कहता है? नहीं बाबा, मेरा मतलब है कि ये कर्ज, लेन देन, एहसान, ऐसा तुम क्यों बोलते हो? मैंने तुम में और आकाश में कोई फर्क नहीं समझा है। समझा है मुझे बेवकूफ और इसे विद्वान। ये बिल्कुल सही समझा है। नहीं, चलिए जी, वो गाड़िया सबके पार्टी में चलना है, मगर आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? इनसे मिलने। ये क्या? ये लिस्ट लड़कियों की, 12 बजे रीटा, 2 बजे सीता, 4 बजे मीता, 6 बजे सीता गीता, पता नहीं कुछ है, और 8 बजे जब घर पे आओ तो मेरे बाप ने मुझे पीटा। देखो, ये तेरी लिस्ट ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया। अच्छा अच्छा, तो मैं चलूं? देख, आज ऑफिस का पहला दिन है। हाँ यार, वो तो है। अच्छा तो मैं चलूं? अगर बाबा का फोन आ गया तो? ओ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी यार। अच्छा तो मैं चलूं? देख, अगर तेरी जरूरत पड़ गई ऑफिस में तो? अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा तो आप चलिए। चलो। ओके। We'll be right back.
दीदार से हासिल हुआ है मुझे। अमन, अमन, आ गया सुकून हराम करने वाला। अमन जल्दी आना। अबे अमन, क्या है? अमन, चले, चला। फुर्सत मिल गई जनाब को? कि पूरे करते करते थक गया हूं यार। अब थोड़ा सा वक्त मिला है मेरी मेनका डार्लिंग के लिए। चला तब चला यार, बहुत मस्ती करके चला। चला यार, ए चला यार। नहीं यार, मैं बहुत थक गया हूं, बहुत नींद आ रही है। तू जा। क्या यार, तू ठीक है सो जा, वैसे भी तेरे पास काम नहीं है। अजीब दोस्त है तुम्हारा। क्यों क्यों? हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा? क्या मतलब? कह रहा था कि थक गया हूं, नींद आ रही है। ना वो थका है ना उसे नींद आ रही। मतलब? मतलब ये कि मैं हुजूर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लाइट ऑन करके कुछ पढ़ लिख रहे होंगे। ओह, सो यू मीन सोने का सिर्फ एक बहाना था? जी हाँ, हमें यहाँ से भगाना था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे इस दुनिया में किसी भी चीज से दिलचस्पी नहीं है। खूबसूरत लड़कियों से भी नहीं? बिल्कुल नहीं, वो तो खूबसूरत लड़कियों से मिलो दूर भागता है। वो कलयुग का विश्वामित्र है। और अगर मैंने उसकी तपस्या भंग कर दी तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पार्टी। ये क्या है? वो तस्वीर है और ये हकीकत। देखिए, इस वक्त मैं बिजी बहुत हूँ और आकाश भी नहीं है। मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ? जब से तुम्हें देखा है, तुम ही तो निगाहों में। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे मालूम है कि तुम इस कलयुग के विश्वामित्र हो, पर मेरा भी नाम मेनका है और मैं यहाँ तुम्हारी तपस्या भंग करने आई हूँ। देखिए, क्योंकि आप आकाश की दोस्त हैं, इसलिए इज्जत से कहता हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। और अगर मैं ना गई तो मैं आपको बेइज्जत करके यहाँ से बाहर भिजवा दूंगा। आप
आप ऐसा नहीं कर सकते। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? तुम जैसी सोसाइटी गर्ल्स के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। आइंदा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अरे तेरे पास तो मेरी जूती भी नहीं आएगी। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? मैं तो शर्त का शिकार बन गई, वरना तुझ जैसे आदमी को तो कोई हमदर्दी की भीख दे सकता है लेकिन प्यार नहीं। अरे तू मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को धुतकार रहा है? शादी इसीलिए तो भगवान ने तुझे एक पैसे बेकार कर दिया है, और अगर मेरा बस चले तो मैं तेरी दूसरी भी टांग तोड़ दूं। तू सिर्फ अपाहिज ही नहीं, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला भिखारी भी है। अपाहिज कहीं का? मैंने उसका दिल जीतने की शर्त लगाई थी, दिल तोड़ने की नहीं। तूने मेरे जिगरी दोस्त की बेइज्जती की, मैं तुझे। आकाश ये क्या कर रहा तू? पागल हो गया क्या? ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। मेनका इससे पहले कुछ हो जाए तू चल यहाँ से। मुझे माफ कर दे, मेनका को उसके किए की सजा मिल गई। इसमें तेरा क्या दोष है? ये तो मेरी जिंदगी का वो कड़वा सच है जिसके साथ जीने की आदत सी पड़ गई मुझे। ये वक्त बताएगा कि मैं शोला हूं या शबनम, आंसू हूं अभी वक्त की पलकों पे रुका हूं। वाह 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 वा, वा, कसम शायरी की, इस उम्र में ये सोच, ये गहराई, ये उठान। सच आपसे अर्ज करता हूं, आपकी शायरी का हर लफ्ज हाय सीने में नश्तर बन के उतर जाता है। लेकिन लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि लाखों का महबूब शायर होने के बावजूद आप उनसे अजनबी क्यों हैं? क्यों नहीं दुनिया को बतला देते कि लोगों के दिलों में सागर की मौज बन के उठने वाला सागर कोई और नहीं है, आप हैं। नहीं अनिल साहब, ये मुझसे नहीं होगा। इस राज को राजी रहने दीजिए। आखिर क्यों? अनिल साहब मैं अपने जज्बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन लेकिन दुनिया के सामने आने से डरता हूं। मां बाबूजी आकाश ने कहीं मेरी शायरी में मेरे दर्द को महसूस कर लिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मेरी परवरिश में उनकी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई। अनिल साहब मैं उनके लिए अपनी जिंदगी तक दे सकता हूं लेकिन उन्हें दुख नहीं दे सकता। मैं अपने लिए नहीं उनके लिए जीता हूं अनिल साहब। वाह मन साहब वाह, आप एक अच्छे शायर ही नहीं बल्कि इंतहाई अच्छे इंसान भी हैं, कसम शायरी की। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अनिल साहब। आप तकल्लुफ से काम लेते हैं। अमन साहब आपकी हिदायत के मुताबिक आपकी किताबों से कमाए हुए सारी रॉयल्टी मैं फादर डिमेलो के ऑर्फनेज में भेज देता हूं। ये कुछ लेटर्स हैं और आपके फैन मेल हैं, बाकी तो यूं ही हैं। लेकिन ये बहुत अहम है, ये कोई जबरदस्त आपके मुरीद लगती हैं, हमेशा आपके गीतों की आपकी नज्मों की फरमाइश करती रहती हैं, और इनका नाम है मोहतरमा पूजा। हम इनकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे, कसम शायरी की। कसम शायरी की। प्यार का
आपकी नज़्म गाकर जो शोहरत मुझे हासिल हुई है उसके असली हकदार आप हैं, क्योंकि यह आप ही के अनमोल खजाने में से थी। इनाम लेते हुए खींची हुई तस्वीर, उसकी कटिंग आपको भेज रही हूं। और आपके लिए एक तोहफा। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। वादे के मुताबिक तुमको अपनी नई नज़्म भेज रहा हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। अगर ना पसंद आए तो हिचकिचाना नहीं, कोशिश करूंगा कि और अच्छा लिखूं। सागर। सागर साहब, मुझे और मेरे घर में लगे खाली फ्रेम को आपकी तस्वीर का इंतजार है। पूजा। मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को धुतकार रहा है? शादी इसीलिए तो भगवान ने तुझे एक पैर से बेकार कर दिया है। और अगर मेरा बस चले तो मैं तेरी दूसरी भी टांग तोड़ दूं। तू सिर्फ अपाहिज ही नहीं, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला भिखारी भी है। मेरी खुशियों के सागर, मेरी कल्पना के सागर,
तुम्हारा लिखा हुआ हर शब्द मेरी धड़कनों को और तेज कर देता है। मोतियों में पिरोई हुई तुम्हारी नज़में मेरी जिंदगी हैं। भगवान से प्रार्थना है कि तुम लिखते रहो और लिखते रहो। पूजा आज चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है जनाब का, कुछ गड़बड़? नहीं, क्या गड़बड़? नहीं, लगता है आप भी मरीज इश्क हो गए। अरे तेरे होते हुए मुझे सब कुछ हो सकता है, इश्क नहीं। क्यों क्यों? क्योंकि इश्क का तो सारा ठेका तूने ले रखा है, बात तू मुझसे कर रहा है और नजर उस सामने वाली लड़की पर है। हा? क्या बोम्बिल की तरह चिकनी लग रही है, मजा आ गया। अरे मजा तो मुझे भी आएगा जब साथ बैठा पहाड़ तुझ पर टूटेगा। तू पहाड़ टूटने की बात कर रहा है? मैं तुझे गले लगाने की सोच रहा हूँ। उस पहाड़ को? हाँ, उसकी कन्या को, छोटी पहाड़ी को। पिटेगा बेटा, आज तू बहुत पिटेगा। और अगर मैंने उसे गले लगा लिया तो ये बिल तू पे करेगा, वरना मैं। ठीक है, ओके ओके, देखते जाओ। शॉपिंग है तो जवान उच्च है हाँ, कारण कि मैंने कार मलवानी है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो करे तो सो करे। आई एम सॉरी, अंधा हूँ। ओह ही इज ब्लाइंड, उठ निकल जाओ जल्दी, है ना बेचारे ने बाथरूम ले जा जाओ। ओ बेचारो, ही इज ब्लाइंड। क्या काम से? ओ भाई जी, जल्दी से खाना ले आओ नहीं तो मार खानी पड़ेगी। यस सर। थैंक यू वेरी मच। केवल मजना चक्रा चे, but he's blind. What a pity. ये लोग ने join है, मेरे पर राजश्री नो दोस्ती picture याद आयो, जब मैं एक बिचारा लंगरो, ने बीजो आंध्रो। कौन अंधा है मैडम? तेरी टेबल पर बैठा उसने चक्रा? वो तो आकाश वर्मा है, लड़कियां पटाने के लिए कुछ भी बन जाता है। अमन, अमन। ओ, जाओ वो, मैंने बुद्धू बनाई। अबे जाओ, मैंने क्या वो लेसन सिखूंगा? Ladies and gentlemen, boys and girls, come along, follow me. Come on, little bit, just come on, hurry up, follow me. वर्मा जी, बिजनेस की बात छोड़ो, कुछ घर की बात करो, बच्चे बच्चों की बात करो। अरे मेरे बच्चों की क्या बात है, मेरे बच्चे तो ऐसे एक हीरा है, दूसरा कोहिनूर हीरा है। हीरा और कोहिनूर हीरा? मालूम कैसे पड़ेगा? क्या कि कौन सा हीरा और कौन सा कोहिनूर हीरा है, तो खुद ही सुनो और फैसला कर लो। अब मिसाल के तौर पे अमन, उसको देखते ही फसाद भरे मन में अमन छा जाता है, बात करता तो ऐसे लगता है जैसे मुंह से गुलाब के फूल झड़ रहे हों। वाह 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 वर्मा जी, तो फिर आप फूलों की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? मेरा जूतों की दुकान खोलने का बेरादा, जगह नहीं मेरी तुम्हारे सर पे खोलूं? नहीं, आप नाराज मत हो जाइए। और फिर दूसरा बेटा आपका आकाश? आकाश हाँ। इसकी क्या बात है, आकाश तो वर्मा खानदान के नाम को अपने नाम की तरह आकाश पे प्रकाश के शब्दों से लिखकर हमारे खानदान के नाम को चमका के रख देगा। बहुत लंबी रेस का घोड़ा है वो। लंबी रेस का घोड़ा? हाँ, मतलब सारी जिंदगी सबसे आगे दौड़ता रहेगा। अबे एक बुड्ढी के लिए तो वो दौड़ता जाएगा सारा जमाना, उसके पीछे भागता जाएगा, वो आगे भागता जाएगा, लोग उसके पीछे भागते रहेंगे, भागते भागते। ड्राइवर गाड़ी रोकना तो। ये तो सचमुच रेस के घोड़े की तरह भाग रहा है यार, ये आगे भाग रहा है, पब्लिक पीछे भाग रही है। प्यार की जगह टमाटर, मोहब्बत की जगह पत्थर, इनाम की जगह डंडे, ये वर्मा खानदान के नाम का क्या होगा यार? क्या हुआ वर्मा खानदान को? कुछ नहीं, तुम गाड़ी से बाहर उतर चलो। अरे मार वो खा रहा है, आप मेरे को नीचे उतार रहा है। अरे तुम मारी यार, कैसे मैं घर कैसे जाऊंगा? टैक्सी पकड़ो निकल जाओ। अरे मेरे घर तक टैक्सी नहीं जाती भाई। तो रिक्शा पकड़ो निकल जाओ। अरे टैक्सी नहीं जाती तो रिक्शा कैसे जाएगी? तो एक काम करो, पैर पकड़ो निकल जाओ। मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं। पैर क्या किराया है, निकल निकल। कमाल है, क्या हुआ इनको?
वो मार खा रहा है, मेरे को नीचे उतार दिया पैर पकड़ के घर। तुम्हारी हालत देखकर मुझे शर्म आ रही है, मेरा मन करता है जाके डूब मरूं मैं। अरे तुम्हारी आवाज आपने क्या है? अरे मैं तुझे डांट रहा हूं, तू फोन पे बात कर रहा है, बताओ कोई इज्जत ही नहीं। अरे ये बताए कहां से फटा, तू कहां से आया मार खा के? ये आपके समझ में नहीं आएगा, वो एक दोस्त की फेस्टिवल पार्टी में गया था, वहां पर बेवकूफ ने मुझे फकीर समझ लिया। अच्छा सुनो जी, मैं शक्ल से कुछ ज्यादा बेवकूफ नजर आता हूँ? नहीं इतना नहीं। क्या क्यों क्यों? क्योंकि लोग बेकारों को भीख देते हैं अंडे पत्थर डंडे और ये टमाटर से नहीं मारते। आपको पता चला? इसलिए कि मामा से गुजर रहा था, मैंने खुद तुझे मार खाते हुए देखा है। वाह धन्य हो आजकल के पिता, बेटे को पिटते देखा और बचाया भी नहीं। मैं तुझे बचाऊं जी, ताकि पब्लिक तुझे छोड़ के मुझे मारना शुरू कर देती। वही 10-12 जमाने थे। ए क्या मुझे कुल्फी समझती रहती क्या? 10-12 जमा देते जमा के लगता अंदर का बाप जागा, अंदर का नहीं बाहर का बाप जागा है, क्या फर्क पड़ता है। अरे ओ बाबा, इस बार इसे माफ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ये ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे बाप की कसम मैं नहीं करूंगा। पक्का? पक्का। अरे जुली का ये पक्का तेरा? ये तो ऐसी है, ये टेलीफोन ही इसके बिगड़ने की जड़ है। बिल्कुल सही कहती हो तुम, ये टेलीफोन कटवा दूंगा तो उसकी सारी लाइनें कट जाएंगी। उल्लू का पट्टा, बेवकूफ, नाला गधा। डैडी जो कुछ भी हूं जैसा भी हूं आप ही का तो बेटा हूं। वेरी हेलो बेटा, ये हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर लालचंद, मेरा बेटा अमन, इन्हीं के साथ हम लोग ऊटी में बड़ा होटल बना रहे हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। लेकिन बाबा मैं लगता है ऊटी की ठंडी का असर तुम पर अभी से होने लगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है लालचंद जी, बात यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले निभा पाऊंगा या नहीं, ये 100% निभाओगे मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा बाबा, तो बाबा जाना कब है? कब जाती है फ्लाइट? कल। कल तुम्हारे बाप की फ्लाइट है जो कल जाएगी, मंडे को जाती है, मंडे को जाना है। और तू कब पहुंचेगा? 4 दिन के बाद। हेलो एवरीबॉडी, वो मेरा बेटा आकाश है। अच्छा तू मेरी सुन, मैं कह रहा था तू मेरी बात सुन यार। अरे तू खड़ी उधर क्या देख रहा है? लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। हाँ देखा होगा किसी पार्टी में, किसी रेस्टोरेंट में, हम तो हर महफिल की शान है। हम आ गए तो हजारों लोग हमारे पीछे। हाँ याद आया, एक आगे हजारों पीछे, लंबी रेस कम। घोड़ा तो बोलने दो। गधे के मुंह से घोड़ा अच्छा नहीं लगता, तू यहाँ क्या कर रहा है? जगड़ जा। अरे कमाल है, कभी बोलते ऑफिस बैठो, कभी बोलते घर में बैठो। जाना क्या, तू मेरे बेटे की मजाक उड़ा रहा है? बेटा तेरे बेटे का कोई कारनामा होने दे, मैं अखबार में छाप दूंगा उसको। मेरे बेटा ही नहीं है ने। तू तेरे घर में रहता है वो कौन है? बाजू वाले का है वो तो। और जो औरत तेरे घर में रहती है वो मेरी है। अच्छा क्यों तकलीफ है? नहीं नहीं मैं जाओ ने काम करने दो। बेटा ऊटी एयरपोर्ट पर लक्ष्मी आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए, बाकी सब कुछ तुमको वही बता देगा। हा? तुम यहाँ कब से हो? लास्ट 5 ईयर सर जी। और इससे पहले? इसके पहले हम येल्लूर में था। येल्लूर। अच्छा लेकिन तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या सर जी, हमने एक बार हमारा फोटो निकाल के देखा था तो फोटो के पॉजिटिव में एकदम निगेटिव, एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो फोटोग्राफर हमको बोला एक लक्ष्मी इस येल्लूर में लंगूर हो जाओगे, तुम्हें काम करना, यू डू वन थिंग, यू गो टू हिल स्टेशन, यू मेड व्हाइट व्हाइट व्हाइट। अच्छा अच्छा लक्ष्मी, तुम्हें अच्छा खाना पकाना आता है? आया राम आएगा पूछने की बात सर जी, हमारे माता पिता बहुत अच्छा खाना बनाते जी, मैं भी बहुत अच्छा बनाते जी, मेरे हाथ का खाना खा के देखो, उंगलियां चाटते रहोगे सर जी। है लक्ष्मी, तुम खाना बहुत अच्छा पकाते हो, तुम्हें तो किसी 5-स्टार होटल में होना चाहिए था। क्यों मजाक करते हो सर जी, लो हाथ धो लो। लक्ष्मी यहाँ नजदीक में कोई अच्छा मार्केट है? है ना, सुपर मार्केट है, 5 मिनट का रास्ता सर जी। अच्छा वहाँ क्या क्या मिलता है? जूते। क्या बक रहे हो तुम? आगे तो सुनो जी, जूते कपड़ा फल सब चीजें सब कुछ मिलता जी, आपको क्या होना है? देखो लक्ष्मी मुझे बुक्स चाहिए, यहाँ कोई अच्छा बुक स्टॉल है? बुक भी है साल भी है, लेकिन मालिक बेमिसाल है। क्या मतलब? अयो नाम उसका पूजा, लेकिन काम एकदम दूजा। अरे राम राम पूजा बिटिया। राम राम काका। जीती रहो बिटिया जीती रहो। मैं पूछती हूँ क्या तुमने सारी बस्ती का ठेका लेके रखा है? नहीं तो फिर तुमने आशा की दुकान का किराया क्यों दिया?
वो कमीना मौसी को परेशान कर रहा था माँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी के काम आ सके। खुशी तो होती है पर डर लगता है जब तुम विराज जैसे शैतान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगती हो। ओफो माँ, तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। ला मुझे किताबें दो, मैं रख देती हूँ। ले लो जल्दी दो। ये ले। मैडम आपके पास लेटेस्ट न्यूज वीक होगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए प्लीज। माँ किताबें दो, लाओ ना। और थोड़ी जगह है माँ। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर पाया। कुछ कहा आपने? जी जी नहीं, बस यही कुछ। दरअसल मुझे चंद शायरों के ऑडिशन चाहिए, गालिब दाग मोमिन फिराक। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वैसे तो हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चाहत होती है, पर आपने कभी सागर साहब का कलाम पढ़ा है? सागर? ये किस सीढ़ी मार का नाम है? आप सागर को नहीं जानते? वो आज के दौर के बहुत बड़े शायर हैं। मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा। ये आजकल के शायर क्या खाक लिखेंगे? नामी गरामी शायरों के कलामों से बूंदे चुरा चुरा कर बन गए हैं सागर। पायल की सुरों का इल्म नहीं और झनकार की बातें करते हैं। सुनिए मिस्टर। अमन वर्मा। अमन वर्मा जी, अगर आपने सागर के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या कर लेंगे आप? मैं ये किताबें नहीं दूंगी। लगता है आप उस शायर से, क्या नाम बताया आपने? सागर। हाँ सागर, लगता है आप उससे जरूरत से ज्यादा चाहती हैं। जी हाँ मैं चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ आपसे। मतलब? मतलब ये कि आप बेमतलब नाराज हो रही हैं। चलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अब तो किताबें दे दीजिए। अब अगर सागर साहब का नया एडिशन इसमें शामिल हो जाए तो तब तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट निकाल के बिल कितना हुआ? इन किताबों के 40 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट के 30 रुपए हुए। शायद इस शहर में नया नया आया है, अजनबी सा लगता है। मगर दिलचस्प अजनबी था। आप सागर को नहीं जानते? वो आज के दौर के बहुत बड़े शायर हैं। मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा। लक्ष्मी। यस सर जी। मैं तो हंस रहा हूँ, लेकिन तुम किस खुशी में हंस रहे हो? सर आप हंसते जी इसलिए मैं भी हंसते जी। बहुत मजा आता जी। कौन मरने आया जी? मरने आया। हेलो कौन बोलते जी? दरवाजे से, दरवाजे से। बहुत मजा आता है। आइयो राम। कौन आया लक्ष्मी? अंदर आओ 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 आओ। सर जी आपको मिलने के लिए बम्बई से कोई आया जी। आइए आइए लालचंद जी। जी बैठिए। इतना बड़ा सुरड़ी लेके क्या करते जी? कब आए आप बम्बई से? आज सुबह ही आया। और घर पे सब? हाँ जी आकाश बाबूजी सब मजे में है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ। बेटा तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सब कुशल मंगल। सर जी को कोई तकलीफ होगा तो कुशल हम कर देगा जी। हमारा नाम लक्ष्मी गुंडप्पा चिनप्पा करियप्पा लिंग स्वामी। इतना बड़ा नाम तुम्हारी सुरली की तरह। अच्छा लक्ष्मी लालचंद जी के लिए कॉफी तो ले। अभी लाया जी। आइयो अभी कौन आया मरने को? अमन बेटे इसमें कुछ मैप्स और पेपर्स हैं, इन्हें ध्यान से देख लेना और समझ लेना। आइए बाबूजी। राम राम बाबूजी।
राम राम बाबूजी, आइए बैठिए, आइए बाबूजी। कहिए बाबूजी, क्या सेवा करूं आपकी? अरे भैया, सरा एक फर्स्ट क्लास चाय। बाबूजी, हमारे होटल में फर्स्ट क्लास चाय नहीं मिलती। तो फिर क्या थर्ड क्लास चाय मिलती? नहीं बाबूजी, जाना तो थर्ड क्लास चाय मिलती है, ना सेकंड क्लास ना फर्स्ट क्लास। यहाँ मिलती है राम प्यारी, राम दुलारी, राम बिहारी, राम बस 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 बस, और राम केसरी चाय भी मिलती है बाबूजी। अरे भैया, यहाँ क्या हर चाय राम के नाम से होती है? बिल्कुल राम के नाम मिलती है। वो देखिए बाबूजी क्या है। बाबूजी, हम ठहरे श्री बजरंग बली जी के परम भक्त, और बजरंग बली जी किसके भक्त थे आप ही बताइए? राम जी के। हाँ, इसलिए इस होटल में सारी चाय राम जी के नाम पे मिलती है। तो ठीक है भैया, हो जाएगी राम प्यारी। अबे ओ कनुआ। हाँ मालिक। बाबूजी के लिए एक राम प्यारी चाय लाओ जल्दी। अभी लाया मालिक। दो बाबू जी। भैया, एक पेन और पेपर मिलेगा? अभी लाया बाबूजी। जी लीजिए बाबूजी। अरे एक चाय और लाना। अबे वो कलुआ, बाबूजी को एक और चाय दो ना। अभी देता हूँ मालिक। जनाब, फिर चले उसी रास्ते पर, उसी मंजिल तक। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अक्स हूं, तुम्हारा जमीर हूं। क्या चाहते हो? तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जबान पर लाना चाहता हूं। कौन सी बात? यही कि तुम पूजा से बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिसकी खामोश तस्वीर ने तुम्हारे दिल में प्यार का तूफान पैदा कर दिया, और जिसे तुम्हारे दिल ने कबूल किया, प्यार किया, इबादत की, और अब वो तुम्हारे जीने का मकसद बन गई है। तुम सच कहते हो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव हर। तो फिर तुम उसे कहते क्यों नहीं? एक दिन उसे जरूर कहूंगा, कहूंगा कि मैं ही तुम्हारा सागर हूं। लो बिटिया, मिठाई खाओ। मिठाई? ये किस खुशी में मिल रही है? क्योंकि आजकल मेरी दुकान चकाचक चल रही है। चकाचक? वो कैसे? तुम्हारी दुआ से। मेरी दुआ से? हाँ, आजकल एक परदेशी बाबू रोज दुकान पर आते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक 30-40 कप चाय पी जाते हैं। इसमें मेरी दुआ कहाँ से आई? दरअसल बिटिया, उनकी नजरें तुम्हारी दुकान पर टिकी रहती है। नजर इधर चाय उधर, नजर इधर चाय उधर, बिल 30 रुपया चार आने। अच्छा, तो ये बात है। आने दो 30 रुपए चार आने वाले को, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि चाय पीना भूल जाएगा। चाय पीना भूल जाएगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए काका, बस वो आएगा तो मुझे इशारा कर देना। बिटिया, वो तो सब ठीक है, लेकिन इन पेड़ों की लाज रख लेना। हे बजरंग बली, किस डिफिकल्टी में फंसा दिया बाबूलाल को। अरे बाबूलाल, ये क्या कर लिया तुमने? अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हे बजरंग बली जी महाराज, इस बाबूलाल मूर्ख की रक्षा करना। अरे बाबूलाल जी, किस डिफिकल्टी में फंसा लिया अपने आपको। राम राम बाबूजी। राम राम बाबूलाल। कैसे हो? बस राम जी की कृपा है। बैठिए बैठिए।
अबे ओ कलुआ, परदेसी बाबू आया परदेसी। और सुनाओ बाबूलाल, आज की ताजा खबर क्या है? सुनने में आया है कि बाहर का मौसम बड़ा खराब है, घनघोर घटाएं घिरती चली आ रही हैं, आसमान पर बादल गरजने वाले हैं, बिजली चमकने वाली है, भयंकर बरसात होने की संभावना है बाबूजी, भयंकर बरसात। भाई वाह, मान गए, सुभान अल्लाह। बाबूलाल क्या अर्ज किया है सागर साहब ने कि बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। ठीक ही कहा था उस बुक स्टॉल वाली ने, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। अरे बाबूलाल और क्या लिखा है जरा ये तो सुनो, कि दूर तक जहां भी ये नजर चली जाए मुझे तू ही तू, बस तू ही तू हर पल नजर आए। बाबूलाल, हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी जानता है। अरे बाबूलाल, मैं तुम्हें सागर साहब की शायरी सुना रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मेरे कहने का मतलब यह है बाबूजी, ये कौन से दौर के शायर हैं और कहां रहते हैं? अरे मेरे ही शहर में रहते हैं, और मेरे ही शहर में रहने के नाते मुलाकात तो होती है। अच्छा अच्छा। अरे मुझे तो यहाँ आकर मालूम पड़ा कि वो अच्छा लिखते भी हैं। अच्छा, इससे पहले आपको मालूम नहीं था? अरे यही तो बात होती है बड़े लोगों की, वो जो होते हैं बोलते नहीं। वाह सागर, तुम तो सागर से भी गहरे निकले। अब जब मिलूंगा तो सीधा तुम्हारा हाथ पकड़कर चूमूंगा और चूम के कहूंगा कि। उनका हाथ चूमकर क्या कहेंगे आप? आप लाजवाब है। तरफ से। अरे ये तकल्लुफ क्यों? क्योंकि आप सागर साहब को जानते हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, उनके मिलने वालों में से हैं, और मैं उनकी मुरीद, मेरा मतलब फैन हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर आप सागर साहब को जानते हैं तो उस दिन मेरी दुकान में उनको इतना भला बुरा क्यों कह दिया? दरअसल मैं आपकी चाहत की हद को देखना चाहता था। वैसे आप सागर साहब को कैसे जानती हैं? बस खत और कलामों के जरिए। कुछ और बताइए ना उनके बारे में, कुछ और पूछिए ना उनके बारे में। वो दिखते कैसे हैं? हसीन हैं, नौजवान हैं। सच? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कि आप मुझे इस खूबसूरत इलाके की सैर कराएंगी, क्योंकि मैं इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हूं। बस इतनी सी बात? तो फिर वादा रहा। वादा।
से करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। अमन है, ये बंबई में रहते हैं। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, बंबई से यहाँ घूमने आए हो? नहीं माँ जी, दरअसल बाबा यहाँ एक होटल बना रहे हैं, उसी सिलसिले में आया। ओह, अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई माँ, ये सागर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो बुरे फंस गए बेटा। मैं समझा नहीं माँ जी। समझती तो मैं भी नहीं बेटा कि ये सागर के नाम की माला क्यों जपती रहती है। अब तो तुमसे सागर के बारे में बातें करके अच्छा खासा पागल कर देगी। माँ तुम भी कैसी उलपटांग बातें करने लगी। चलो अमन, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। चलो। ये कमरा बिल्लू का है, वो मेरी माँ का कमरा है, यहाँ हमारा पूजा घर है, और उधर मेहमानों का कमरा है। आ, आ। और ये मेरा कमरा है। एक मिनट, जरा यहां से नजारा देखो, हर चीज कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। वाकई बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अमन, अगर कश्मीर धरती का स्वर्ग है तो ये जगह यहाँ का स्वर्ग है। मैं तो इस स्वर्ग को देखकर धरती के स्वर्ग को भी भूल गया हूँ। तुम सोच रहे हो ये फ्रेम खाली क्यों है? दरअसल इस फ्रेम को सागर की तस्वीर का इंतजार है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, सागर खुद आ गया। हेलो अमन है। पूजा बोल रही हूँ। अरे पूजा, इतने सुबह सुबह तुमने मुझे कैसे याद किया? तुम्हें शाम की याद दिलाने के लिए। क्या कोई खास बात है शाम को? इसलिए तो फोन किया। आज शाम को नेहरू स्टेडियम में बहुत शानदार शो होने वाला है, उसमें मैं भी भाग ले रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं जरूर आऊंगा। लेट मत होना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके।
शो वाज सुपर्ब। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना अच्छा नाच भी सकती हो। छोड़ो इन बातों को। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शो के कलेक्शंस उम्मीद से ज्यादा। वीरा यहाँ। मैं शायर हूँ, तू मेरी शायरी। उस दिन बस्ती में तो तू वीरा से बच गई थी, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? चल छोड़ दे मुझे। अबे हट, चल बाहर, छोड़ दे मुझे। अमन, अमन उसे, अमन, अरे पुलिस, अबे भाग लो यहां से। पकड़ो इन सबको, जाने मत देना एक को भी। तुम लोग यहां क्या कर रहे थे हैं? क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम कितने मजबूर और लाचार हो। मर्द औरत की हिफाजत करता है, अरे जब तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते इस लड़की क्या करते? अगर इस लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते। वाह भगवान वाह, क्या खूब इंसाफ है तेरा। पैदा होते ही तूने मेरे सर से मेरे मां बाप का साया छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा। चलने के काबिल बना तो तूने मुझे बैसाखी पकड़ा दी। मैं चुप रहा,
बचपन से लेके जवानी के लंबे सफर में ना जाने मुझे कितने अंधे रास्तों से गुजरना पड़ा, कितनी तन्हाइयों को सहना पड़ा। मैं सब कुछ सहता रहा, जानता है क्यों? क्योंकि मुझे इस कड़वे सच को पीने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन जब तूने मेरी पूजा के सामने मुझे इस कड़वे सच का एहसास दिलाया तो मैं ये जहर नहीं पी सका। आज मुझे पता चला है भगवान कि मैं वाकई अधूरा आदमी हूं, एक अपाहिज हूं। क्या यही मेरा दोष है? क्या यही मेरा गुनाह है? और इस अधूरे आदमी को बनाने वाला कौन है? तुम हो। मुझे दुनिया की नजरों में मजाक बनाने वाला कौन है? तुम हो। मुझे इन हालात पर खड़ा करने वाला कौन है? तुम हो। गुनहगार मैं नहीं तुम हो, दोषी मैं नहीं तुम हो, तुम। आखिर किस जन्म का बदला तू मुझसे ले रहा है भगवान? बोलो, जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। Be praised. हर सवाल का जवाब मिल गया है भगवान, मुझे माफ कर दो। अच्छा हुआ तुम्हारा एरोप्लेन डिले नहीं हुआ जी। हम एक बार अमेरिका जाता था, हमारा एरोप्लेन डिले हो गया, मैं और एरोप्लेन इधर है। चुप लक्ष्मी, तूने अमन को तो नहीं बताया कि मार रहा हूं? अयो राम पाप, कैसे बताता जी? आपने बोला नहीं बताना, हमने नहीं बताया। वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड। लेकिन ये सस्पेंस काहे के वास्ते जी? सर जी, जो काम यकायक होता है ना, मेरा और अमन का सामना होगा यकायक। सर मेरे को लगता है टायर पंक्चर हो गया सर जी। अयो राम, ऐसा कैसे हो गया यकायक? अयो राम पापा, हाउ ब्यूटीफुल सर जी। थैंक यू सर जी, हमको बोला। सर जी तुम टायर संभालो जी, मैं उनको संभाल के आता ही। सर जी किधर गया था? सर जी संभाल, सर जी आ गए। एक्सक्यूज मी, कहीं से अंधे। सर जी टायर से रेडी। सर जी, सर जी, अयो रामा ये तो फ्लैश फॉरवर्ड में चले गए। सर जी, सर जी, सर जी, Yeah!
आशिक नहीं परवाना नहीं। मैं शायर नहीं दीवाना नहीं, मैं आशिक नहीं परवाना नहीं। मिली जब से नजर तब से जाने जिगर, मिली जब से नजर तब से जाने जिगर। मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना, अब जाने क्या होगा जाने जाना। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। प्यार। अरे हा? फिर चढ़ा तुझे इश्क का बुखार? हाँ अरे सर से पाव तक कयामत ही कयामत, नजरों के तीर से घायल कर दिया तेरे इस दोस्त को यार। घायल और तुझे? हाँ तूने लड़की देखी नहीं और घायल होना शुरू हो गया। तुझे मजाक सूझ रहा है यार? हम 100% सीरियस। अगर मेरी जगह तू भी होता ना तो तू भी घायल हो जाता। अच्छा हाँ, क्या बताऊं यार, सूरज की पहली किरण थी वो। और दूसरी तीसरी चौथी किरणों का क्या होगा? अरे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे देखकर कॉम्प्लेक्स आकर बादलों के बीच छुप जाएंगी। और ये ये पूछ मत यार, अखियों के झरोखों से दिल में समा गई। अबे तेरा दिल है या ट्रैफिक का सिग्नल? पलक पहले झपकती है और सिग्नल बाद में आता है, जरा संभल के कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे जो होना था हो चुका, अब तो दर्द दिल का इलाज है उसका दीदार। उसका दीदार बाद में करना, पहले चल के खाना खाते हैं। आजा। अरे तू तो मेरी लव स्टोरी में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं यार। चुमा चुमा दे दे अम्मा, ए चुमा दे अम्मा, ए चुमा दे अम्मा। अरे लक्ष्मी। चमेली। अयो अमन सर। आकाश कहाँ है? क्या बोले सर जी, उनको खुद को पता नहीं वो कहाँ जी। क्या मतलब? मतलब वो कुछ खाते नहीं पीते नहीं, सोने जागने की तमीज नहीं सर जी। लक्ष्मी। अयो राम सच बोलता जी, उनकी हालत बहुत डेंजर सर जी, बहुत। चुमा चुमा दे दे। आकाश, ए आकाश, आकाश। तू यहां खड़ा है और मैंने पूरा घर छान मारा। अरे ये मजनू जैसा क्या हाल बना रखा है तूने? ना टाइम पर पीता है, ना खाता है, ना साइड पर आता है, क्या हो गया तुझे? मुझे खुद नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है।
किसी चीज में दिल नहीं लगता, बस एक ही बात सताती रहती है, उससे कहां ढूंढू। अमन, क्या तुझे मेरी हालत में तरस नहीं आता? कुछ कुछ आता है। उसे ढूंढने में मेरी मदद कर देना यार। तेरी मदद करो उसे ढूंढने में, पागल हो गया? प्लीज यार। ठीक है, कल सुबह तैयार हो जाना। सच? या! आकाश, अरे ओ आकाश, अबे उठ, उठ, आकाश। मिल गई क्या? ओफो, तुझे सोते जागते सिर्फ उसी की तस्वीर दिखाई देती है क्या? अब देख, ये उगती हुई फसल को काट और जल्दी से तैयार हो जा। लालचंद जी भी पूछ रहे थे और बाबा का भी फोन आया था, इससे पहले कि तेरे नाम का वारंट निकले तू रास्ते पे आ जा, समझा? चलना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ चलना पड़ेगा। अमन सर जी आपको मिलने के लिए पूजा है जी, मैंने उनको हॉल में बिठाई जी। अच्छा आकाश, तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग सर जी, मर गए आइयो रामा पापा। ये पूजा कौन है? ये पॉपुलर बुक स्टॉल की मालकिन है जी, अमन सर हर रोज किताब लेते उनसे। पूजा यानी लड़की? लड़की है? लड़की और अमन, कुछ समझ में नहीं आया। अमन और किताबें समझ में आती है, समझ आया? सर आप क्या टॉक करता है, कांट अंडरस्टैंड। देन डोंट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, लीव इट टू मी। यस सर। सुनो, किचन में जाना और हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाना, क्या ये भी है समझाना? यस सर। यस सर? नो सर। नो सर? बेटर आई गो सर। बेटर यू गो सर। अरे पूजा, यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसे उस शो के बाद ना कभी मिले ना ही मिलने आए, माँ भी परेशान थी और मैं भी सोची थी कि बात क्या है। दरअसल काम की वजह से इतने दिन नहीं आ सका, लेकिन माँ जी से कहना कि मैं बहुत जल्द आके मिलूंगा। माँ ने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भेजा है। माँ जी को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। जरूर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, दुकान खोलने का वक्त हो गया है। अच्छा। अरे हाँ एक बात तो कहना ही भूल गई, सागर साहब की नई किताब आई है, डिस्काउंट पे मिलेगी। आकाश, 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 अरे इसे क्या हुआ? अरे लक्ष्मी पानी लाओ। ये आकाश। अयो राम, आकाश सर जी को क्या हो गया जी? ये लो पानी, पानी। अरे मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। अरे कौन मिल गई? वही जिसने मेरी नींद चुराई थी, मेरा चैन चुराया था। लेकिन वो तुझे यहाँ कहाँ दिखाई दे गई? अरे पूछ मत यार, दास्तान इश्क, जिसे हमने ढूंढा गली गली, वो मेरे घर के पिछवाड़े मिली। अरे इसे क्या हो गया यार? लेकिन कौन है वो? अरे वो ही यार जो अभी भी घर पे आई थी। कौन? पूजा? पूजा, पूजा। अरे अमन, तो वही लड़की जिसे हम दिन रात ढूंढा करते थे यार। मेरे सपनों की रानी, मेरे ख्वाबों की मलिका, अमन अगर मुझे ये मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी सफर जाएगी यार। आकाश, क्या ये वही लड़की है? तूने उसे ठीक से पहचाना ना? हाँ, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती अमन, जिस चेहरे को देखकर मैं अपने आप को भूल गया था उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ यार? तेरी कसम उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। फलक कतीर का क्या देखता निशाना था, उधर थी बिजली इधर मेरा आशियाना था, पहुंच रही थी किनारे पे कश्ती ये उम्मीद, उसी वक्त इस तूफान को भी आना था। पूजा, तूने मेरे अल्फाजों को एक नई जिंदगी दे दी। सूरज की पहली किरण है वो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता यार। मेरे और उसके फासले को सिर्फ तू ही मिटा सकता है, मुझे तेरी मदद चाहिए।
मेरी अंधेरी जिंदगी में एक ही तो रोशनी की किरण दिखाई पड़ी, पूजा, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। अरे तेरे पास तो मेरी जूती भी नहीं आएगी। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? मैं तो शक का शिकार बन गई, वरना तुझ जैसे आदमी को तो कोई हमदर्दी की भीख दे सकता है, लेकिन प्यार नहीं। आप आज कहीं का मैं दोस्ती के खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगा। पूजा आकाश की होगी, आकाश की। फैसला कर लिया है, पूजा को पाने के लिए मैं हर रास्ता हर मंजिल तय करने के लिए तैयार हूं। आकाश, पूजा ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो एक शायर से प्यार करती है जिसे आज तक उसने देखा नहीं। कौन है वो खुशनसीब? उसका नाम है सागर, सागर। और वो बंबई में रहता है। बस खतों के जरिए उसने अपने दिल उसे दे दिया है। तो मैं क्या करूं यार, मेरा क्या होगा? एक रास्ता है, अपने प्यार को पाने के लिए तू उसका चोला पहन ले। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि तू सागर बन जा। सागर? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आकाश, तूने तो कहा था कि तू कुछ भी कर सकता है। नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं सागर बन जाऊं। आकाश, क्या झूठ के रास्ते से प्यार की मंजिल पाना ठीक होगा? आकाश, शायद तू भूल गया है कि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर एक झूठ से किसी का भला हो तो वो हजार सच से भी बढ़ के है। और फिर तू तो एक खूबसूरत होनहार अमीर घराने का लड़का है, तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। और फिर ना जाने सागर किस किस्म का आदमी हो, अगर वो मेरी तरह लंगड़ा लूला अपाहिज हो तो। देख मन, मुझे हर किस्म का मजाक पसंद है, मगर इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, वो सब बातें बाद में करते हैं, पहले ये बता तू मेरे फैसले से राजी है या नहीं। तू क्या बोलता है? Happy birthday to you. Happy birthday.
बर्थडे पूजा। थैंक यू पूजा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देने जा रहा हूँ जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। याद है तुम्हें, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे सागर से जरूर मिलाऊंगा। हाँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने एक दोस्त, एक मशहूर शायर सागर साहब को पेश करना चाहूंगा, जो आप सबके सामने अपनी नज्म खुद गाएंगे। प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं। गिरने से फुर्सत मिलती तो बताता ना। पूजा घर चले। रेनू इनसे मिलो, ये सागर साहब हैं। ये मेरी सहेली रेनू है। हेलो। सागर तो मेरा तकल्लुस है, वैसे लोग मुझे आकाश वर्मा कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मगर थोड़ी सी। क्यों? इसलिए कि सारी खुशी तो इसे ही हुई है। रात और दिन आपके नाम की माला जपती रहती थी, तो अपनी शरारत से बाज नहीं आएगी। चल घर चल। पूजा, कल शाम को तुम्हारे गार्डन कोर्ट में इंतजार करूंगा। ठीक 6 बजे आना। ओके। Yes, sir. पानी। भाई साहब, ओ भाई
खाओ ना। क्यों भाई साहब, थैंक यू भाई। ए मैन, रोमांस करने का इससे अच्छा टाइम और क्या होगा? डोंट डिस्टर्ब मी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं भाई साहब, अगर मैं आपकी जगह तो शायद मैं भी यही कहता। पानी सर। थैंक यू, एक जग पानी गला के रख देंगे। यस सर। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, लगता है जन्म जन्म का प्यासा है या फिर रेगिस्तान से आया है। ना जाने कब आएगी। आएगी, फिर आएगी, जरूर आएगी, बगैर आए कहीं नहीं जाएगी, जरूर आएगी। भाई साहब, इन भाई साहब की क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं साहब, दरअसल बात यह है कि आज से ठीक 4 साल पहले इनकी महबूबा ने इनसे यही मिलने का वादा किया था और आज तक नहीं आई। पहले ये भी आप ही की तरह पानी पीते थे। अब शराब पीने लगे हैं। कहीं मेरी भी हालत इनकी तरह नहीं हो जाए। तो हालत खराब है। समझी समझी, तुम्हारी मंजिल आ गई, अब मैं तो चली। तू भी चलना। क्यों? मुझे डर लग रहा है, देखो ना मेरा दिल धक-धक कर रहा है। सच? ये तो राजधानी से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। मैं जाती हूँ। सुनो, कहाँ चली? तू बड़ी संगदिल है, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुझे मजाक सूझ रहा है। जाने मन, मोहब्बत के मैदान में हुस्न और इश्क दोनों को अकेले ही एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। जाओ, जाके कूद जाओ। नहीं, जाओ जाओ ना।
अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अमन, ए अमन, अमन। हाय अमन। हाय पूजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। अरे लक्ष्मी, आजा। जी सर जी। तीन कॉफी लाना जल्दी। अभी लाया सर जी। अमन, क्या आजकल तुम इतने बिजी हो गए कि दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता? ऐसी बात नहीं है पूजा। मुकद्दर, अरे हाँ, मुकद्दर से याद आया। क्या याद आया? दीवाने सागर में पेज नंबर 26 पर तुमने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, जरा सुनाओ ना। मुकद्दर पे? हाँ। दीवाने सागर में? हाँ। पेज नंबर 26? हाँ। इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। है, पेज नंबर 26 पर है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। इट इज नामुमकिन, इट इज नामुमकिन। नो, गलत फहमी। और मुझे तुम्हारे कलम से लिखा हर शेर मुझे जबानी याद है। अच्छा छोड़ो, ये पेज पर क्या फैस करना, तुम शेर तो सुनाओ। याद आया? आया आया। अरे अरे मुकद्दर, मैडम गरम गरम काफी। सर जी काफी लाए जी, सर जी काफी, सर जी काफी लाए जी काफी। मुकद्दर, 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 हाँ अमिताभ का मुकद्दर का सिकंदर है। शराब हम जाकर अंदर है काफी। क्या बात है, शेर की रिकॉर्ड पर आवाज की सुई क्यों अटक गई? सुई? नो, दरअसल बात यह कि मेरी आवाज। अबे अबे, सुबह तो तूने मुझे वो शेर सुनाया था, भूल गया क्या? तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। यही तो ताज्जुब है, शेर तुमने लिखा और याद इनको है। क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है शेर अब शायरी तो क्या, मैं तो अपने आप को भूल गया हूं। बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। ओके, मैंने छोड़ गया था। अमन, वक्त मिलते ही घर जरूर आना। बाय। ओके, बाय। तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अमन, आज तो बाल बाल बच गया यार, अगर तूने शेर नहीं सुनाया होता आज तो भांडा फूट गया था। ये सागर के बच्चे ने तो जीना ही हराम कर दिया यार, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ए, आइडिया। क्या? भाई को बोल के इसको उठवा दे क्या? अरे तू क्यों खामखा झगड़ा मोल लेता है, सागर वैसे भी दिल का मरीज है। इसका मतलब एक पाव कब्र में तो दूसरा पाव केले के छिलके पर। ऐसे ही समझ ले। मैं चला बंबई। क्यों यार? उस दूसरे पाव को कब्र में धक्का मारने के लिए यार। देख आकाश, तुझे सागर की वजह से पूजा का प्यार मिला है। फिर क्या करें यार इस कमबख्त के बारे में। सुन, तुझे सागर की सारी शायरी याद करनी पड़ेगी, किताब मैं तुझे दूंगा। ये भी करना पड़ेगा क्या? अरे आकाश, लोगों ने प्यार में जान तक दे दी और तू शेर भी नहीं सीख सकता। चल चलो चल। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। वाह,
वाह वाह, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन को शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। अयो रामक शट अप, प्यार का सवाल है यार। जब शाह कोई हाथ लगाते ही चमन को शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। वाह 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 वाह, सागर साहब क्या लिखा है, वाह वाह वाह। अमन याद हो गया, एक और सुन सुन। दो जिस्म है, अरे बाप रे, आ गया। मानो हर सांस के आने पे लगता है कि तो। अमन 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 सुनना यार, सुनना, मुझे शेर याद हुआ कि नहीं। अमन अमन आकाश, सोने देना यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने देना यार। देख तू सारी रात शेर याद करना, मैं कल सुबह सुनूंगा। हाँ, मुझे शायर बनाकर रात भर जगाकर खुद सो रहे हैं बहाने बनाकर। अमन अमन शायरी गिरी, अमन बोला 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 अमन। अरे सुने देना यार। थैंक गॉड चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लाइन कहाँ खींचो। वाह क्या खूब चढ़ा है प्यार का रंग। क्या मतलब? मतलब ये कि पूजा के प्यार ने तुझे बहुत जिम्मेदार इंसान बना दिया। साहब बंबई से बड़े साहब का ट्रंक कॉल। बड़े साहब का ट्रंक कॉल, चलिए। हेलो कौन, अमन बेटा? हाँ बाबा। क्या है बेटा? सब ठीक है बाबा, आप और माजी कैसे हैं? बहुत अच्छे। काम की प्रोग्रेस कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है। और वो हमारा गड़बड़ी आकाश, उसका क्या हाल है? अरे वो तो काम में हाथ बटा रहा है। ये लीजिए बात कीजिए। हेलो डैडी, हाउ आर यू? और मम्मी कैसी हैं? अरे सब बहुत अच्छे हैं। तुम अपनी सुनाओ पहले। आप मेरी फिक्र मत कीजिए डैडी, काम ही मेरी पूजा है, पूजा ही मेरा काम है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। अच्छा देखो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे खबर कर देना। ओके बाय डैड। देखा तुम जिसको नालायक समझती थी वो कितना मन लगा के काम कर रहा है। कहता काम मेरी पूजा, पूजा ही मेरा काम है। बेटा किसका है? यही तो रोना है ना कि बेटा तुम्हारा है। ये रोना है? नहीं तो करो और घमंड करो उसपे। मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जरूर कोई लड़की मिली होगी उसको घुमाने फिराने को, जिसे ये काम कहता होगा। अरे यार तुम क्यों मुझे डराती रहती हो? नहीं नहीं आकाश, जब तो अमन के साथ है वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जा सकता। और उसके साथ रहते रहते देखना एक दिन अपनी जिम्मेदारी का बोझ खुद उठाना शुरू कर देगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों दोस्ती के अटूट बंधन में इसी तरह बंधे रहे। बिल्कुल। और दुनिया की कोई ताकत या मजबूरी इन दोनों को अलग न करे। अगली बार जब भगवान की पूजा करना तो मेरी तरफ से भी मांग लेना। क्यों तुम नहीं मांग सकते? नहीं मेरी सुनता नहीं, तुम्हारी ज्यादा सुनता ना। आकाश के डैडी हो इसलिए। नहीं उसकी माँ का पति हूँ इसलिए। जाओ बाय। आकाश ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे टेलीफोन पर नहीं बता सके और मुझे फौरन बुला लिया? पूजा वो एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हाँ एक कॉफी और तुम क्या लोगी? कोल्ड स्पॉट। कोल्ड स्पॉट पूजा जैसे कि आकाश। हाय। हाँ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? घूमने आई हूँ, स्काई में ठहरी हूँ। लेकिन तुम मुझे बताए बिना बॉम्बे से गायब हो गए। अब मेरे इतने सारे फैन है, अब मैं हर किसी को थोड़ी बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाय द वे ये पूजा, पूजा दिस इज मेनका, मेनका मेनका दिस इज पूजा। दिल बहलाने के लिए ये खिलौना बहुत अच्छा है। एनीवे कम एंड मीट माय फ्रेंड्स। अब चलिए मैं ना। ये आरती है, मीना और शान। नमस्ते। हेलो नमस्ते। नमस्ते आकाश। पूजा मेरी बात सुनो। पूजा कुछ नहीं सुना मुझे। पूजा मेरी बात सुनो। अगर मुझे हाथ भी लगाए तो। कौन थी वो लड़की? मेनका थी। मेनका हो या शुरपणखा, तुम्हारी कौन थी?
काकी दादी मामी चाची। वो मेरी फैन थी पूजा। फैन थी? फैन थी तो सीलिंग से लटकती, गले में क्यों लटक रही थी? पूजा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब मालूम है मुझे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, जहां लड़की देखी फिसल गए। कमाल है पूजा, शक की भी हद होती है। मैं अपनी परेशानी का हल ढूंढने आया था तुम्हारे पास और तुम किसी और टाइप में चल बैठी। तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है? अब तुम चैन से बैठो तो मैं तुम्हें सुनाऊं ना। बताओ। दरअसल मेरा एक जिगरी दोस्त है, उसे एक लड़की से इस कदर मोहब्बत हो गई है कि उसने प्यार को पाने के लिए गुमनाम आदमी के नाम का सहारा ले लिया है। किसी दूसरे के नाम का सहारा? हाँ। क्यों? क्योंकि इस लड़की को पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अब वो इस बात से डर गया है कि अगर गुमनाम आदमी की सच्चाई सामने आ गई तो उस लड़की के दिल में उस लड़के के लिए ना ही प्यार रहेगा ना ही इज्जत। अब तुम ही बताओ लड़का क्या करे। मेरे ख्याल से तुम्हारे दोस्त को उस लड़की को सच्चाई बता देनी चाहिए। तुम्हारा दोस्त उसे सच्चा प्यार करता है ना? हाँ करता है। और वो लड़की भी उसे प्यार करती है? हाँ करती है। तो फिर उसे क्यों होकर रहेगी? तो फिर आज ही मैं उसे खत देता हूँ। पूजा, इस खत को पढ़कर शायद तुम मुझे कभी माफ ना करो, क्योंकि मैंने तुमसे छल किया है। मैं रेत की बुनियाद पर अपना घर बनाने चला था, मगर ये भूल गया था कि वक्त की लहरें उसे कभी ना कभी मिटा देंगी। मैं वो बदकिस्मत इंसान हूं जिसकी अपनी पहचान होते हुए भी उसने अपने महबूब के दिल में उतरने के लिए एक अनजान आदमी का सहारा ले लिया। क्योंकि मैं सागर नहीं हूं, मैं आकाश हूं, आकाश वर्मा। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर ये तुम नाराज ना हो। लक्ष्मी सर जी कहाँ जा रहे? आकाश सर जी का लेटर है, पूजा मैम सबको देने को जाता जी। अच्छा लाओ मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। थैंक यू सर जी, थैंक यू। हम चमेली को मिलने को जाता सर जी। पूजा, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है। शादी के बाद पत्नी को बहुत से फर्ज अंजाम देने पड़ते हैं, मतलब घर की देखभाल करना, जरूरत पड़े तो बर्तन मांजना, झाड़ू मारना वगैरह वगैरह। अगर ये सब कुछ तुम करने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। जल्दी जवाब देना, ये शर्तें मंजूर है या नहीं आकाश? मंजूर है। अमन, अमन मंजूर हो गया? अमन, ये अमन मंजूर हो गया? ए, आ, अमन, देख मंजूर हो गया देख। अरे माँ बाप, अरे माँ बाप पर क्या लगा रखा है तूने? बरखुदार। अरे तू तो पापा की आवाज भी निकालने लगे यार। अरे सुन। अबे चुप, क्या मंजूर हो गया? अरे तूने बताया नहीं यार, पा 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 पी 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 पो 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 पो। उसको क्या मेरे बचपन की हकलाने की आदत पड़ गई है क्या? अरे तू क्या पा पू पी पी हारमोनियम बजा रहा है क्या? पास हो गया। कौन? वो सेंडर। कौन? लेंडर? नहीं नहीं, लेंडर नहीं, लेंडर तो क्रिकेटर। नहीं नहीं, टेंडर, टेंडर, टेंडर पास हो गया। अबे तूने बताया नहीं यार, तूने तो मुझे भेजा था। हाँ मैं बताना भूल गया। वाह भाई वाह, अमन दोस्त हो तो ऐसा, कितनी खूबसूरती से अपने दोस्त की गलती को छिपा गए। अमन इस नालायक की गलतियों की तो कोई सीमा नहीं है, मगर तू कब तक छिपाता रहेगा ये तो। बस बस प्लीज, बम्बई में तो मेरा दिमाग चाट गई थी कि इनके देखने को आंखें तरस गई है। पता नहीं बेचारों घर का खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, एक एक दिन एक एक युग की तरह बीत रहा है। पता नहीं मेरी आंख के तारे, मेरे राज दुलारे, ये बेचारे कैसे होंगे। क्या है तुम क्यों से मैंने तुम्हारा मुंह पकड़ा हुआ है? नहीं मेरे को बहुत मजा आया। वाकई तुम दोनों के बगैर घर काटने को दौड़ता है, पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। घर में? अरे पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। शहर में? हाँ आकाश बेटे, अखबार में तुम्हारे लिए वांटेड आई है कि ढूंढ कर लाने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लेकिन मैंने ऐसे क्या, कौन सा काम किया जो लोग मुझे शहर में ढूंढ रहे? कौन ढूंढ रहे? एक हो तो बताऊ, शहर की हर लंबी नाटी मोटी पतली उठती बैठती आती जाती हंसती रोती हर लड़की दूरबीन लेके तुम्हें तलाश कर रही है। नहीं वो सब मैंने छोड़ दिया है। अरे लेकिन ये क्यों हंस रहे? अरे ने कुछ खिला यार, चुप करो। ये वादियां, ये ठंडी हवाएं, ये देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आता क्या? जब हमारी शादी हुई थी और हम हनीमून मनाने के लिए आए थे तो कम ओलोड़ कर अंदर दुबुक के बैठे थे और प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें कर रहे थे। वो बातें फिर नहीं हो सकती? नहीं। क्यों? अरे कुछ तो इन सफेद बालों की शर्म करो। ले, मैंने कभी काले बालों की शर्म नहीं की, तो सफेद बालों की कौन शर्म करे? क्यों क्यों करूं भाई? इसलिए कि अब हमारा जमाना नहीं रहा है, अब हमारे बच्चों का जमाना आ गया है। यार ये बच्चे क्या पैदा होते हवाई जहाज में उड़ जाते हैं, इनका जमाना इतनी जल्दी क्यों आ जाता? छोड़ो। मिस्टर राजीव वर्मा, जो मैं देख रही हूँ क्या आप भी वही देख रहे हैं? वही देख रहा हूँ। यानी वहाँ आओ मेरे। मेरे को समझ में नहीं आया। जरूर दाल में कुछ काला है। किधर है दाल? देखो।
ये दाल अपने घर के पतीले में गिरने वाली है। आओ, आमें सर। आकाश, आकाश, आकाश। आकाश। कहाँ चले गए? कौन हो तुम लोग? वो मैं अपना हम लोग चोर हो है? ऐसी उम्र में चोरी करते हो शर्म नहीं आती? इन कपड़ों में हम लोग चोर लग रहे हैं? आजकल के चोर तो इससे भी अच्छे कपड़े पहनकर घूमते हैं। तुम लोगों का क्या भरोसा? पर बेटी, बेटी मैं तुमसे कह रहा हूँ, उधर क्या देख रही हो तुम? हाँ। मुझे बेटी कहते हो शर्म नहीं आती? लेकिन लेकिन आकाश को तुम कब से जानती हो? तुमसे मतलब तुम कौन होती मुझसे पूछने वाली? हाँ मम्मी डैडी। क्या है तुम क्या आंखें फाड़े फाड़े देख रहे हो? अरे कुछ बोलते भी नहीं, अगर मैं ना होती तो ये दोनों पूरा घर साफ कर देते। पूजा ये मेरे मम्मी डैडी हैं। होंगे तुम्हारे मम्मी डैडी। क्या कहा? मम्मी डैडी। हाल्ट, अबाउट टर्न, फॉरवर्ड मार्च। बस तो हम लोग इन कपड़े में तुम्हें चोर नजर आते हैं जी, हा? जी जी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, वो गलती तो सभी से हो जाती है ना, छोटों से बड़ों से इनसे। हॉल्ट, तुम्हारी बारी, तुम पूछो। आकाश को कब से जानती हो? जब से मैं यहाँ आया था। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। इधर इधर तुम इधर देखो। और आपकी कोई तारीफ? मैं एक बुक स्टॉल चलाती हूँ। और घर पे माँ है, छोटा भाई है। और अभी ये पास हूँ। और अरे पूजा, तुम कब आई? सब ठीक है ना? अच्छा तो तुम भी इस साजिश में शामिल हो, चलो मेरे साथ। अरे माँ, तुम चलो। तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा पूजा ने आकाश के साथ प्यार करने का संगीन जुर्म किया है, इसलिए यह अदालत मुलजिमा को और आकाश को सारी जिंदगी शादी के अटूट बंधनों में बंधे रहने की सजा देती है। हाँ। अदालत के पैर छुए जाएं फौरन। आप कहाँ शादी करने? मारूंगा कभी। वहां क्या देख रहे हो? नहीं देख रहा हूं कि ये मेरे घर में बहू बनकर कब आएगी। अमन बेटा, इस नेक काम की शुरुआत तुम्हारे जिम्मे है। माँ जी, आप तो जानती हैं कि पूजा और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटी, और ये भी जानती हूँ आकाश एक करोड़पति का बेटा है। डरती हूँ कहीं ये अमीरी गरीबी की दीवार। माँ जी, जिन्होंने इस लावारिस को अपने दिल में जगह दी, इस मुकाम तक पहुंचाया, उनके लिए धन दौलत अमीरी गरीबी कोई माने नहीं रखती। पूजा इस घर में बहू बनकर राज करेगी, पलकों पर बिठा कर रखेंगे बाबा, ममता के छांव में छुपा कर रखेगी माँ, और आसमान पर बिठा कर रखेगा आकाश। बस बेटा बस, जिनका तुम जैसा अजीज हो उनकी पहचान तुमसे बढ़कर और क्या हो सकती है? मुझे रिश्ता मंजूर है। माँ जी, आपने हाँ कहकर इस गरीब बेटे की इज्जत रख ली, मैं चलता हूँ। अरे मुंह मीठा तो करते जाओ। नहीं माँ जी, माँ और बाबा के साथ ही मुंह मीठा करूंगा, अभी तो वो हाँ सुनने के लिए बेचैन होंगे। अच्छा बेटा। अच्छा अमन। अरे पूजा तुम? हाँ, मैं वो चाबी भूल गई थी, वो लेने आई। अमन, न जाने मेरा तुम्हारे किस जन्म का रिश्ता है, समझ में नहीं आता इस रिश्ते को क्या नाम दूं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं पूजा,
जिन्हें नाम ना देना ही बेहतर है। आओ बेटी, इसे पहन लो बेटी, हमारे खानदान की निशानी है जो होने वाले बहू को दी जाती है। आज से इस पर तुम्हारा अधिकार है। यहाँ से चलकर मैं पहले उस पंडित को तलाश करूंगा। कौन सा पंडित? वो जो रिश्वत लेकर जल्दी से शादी के फेरे करवा देता है। अच्छा, तुमने रिश्वत दी थी? लो, पंडित अगर रिश्वत नहीं लेता तो क्या अपनी शादी हो सकती थी? सात जन्म में नहीं हो सकती। अच्छा ले ले चल। अमन, अमन, क्या आज शाम को घर जल्दी आ जाना। क्यों? अरे हर बात में क्यों, आज शाम की मैंने 3 टिकटें बुक की हैं पंकज उदास के शो के लिए। 3 टिकटें? हाँ, मैं, तू और पूजा। अरे नहीं यार, तू चले जाना। क्यों? आज शाम को आर्किटेक्ट घर आ रहा है, उसके साथ मीटिंग है, तू चले जाना, मैं नहीं आ सकता। अच्छा सुन यार, चला। अबे इतना काम क्यों कर रहा है तू? अरे तू जाना यार, मैं शाम को मिलूंगा। ठीक है सुन, डट के काम करना, जा रहा हूं, बाय, सी यू। दोस्तों, एहसान मन हूं आपका कि आपने मुझे फिर याद किया। आज मैं खास आप लोगों के लिए एक उभरते हुए नौजवान शायर जनाब सागर की एक नज़म पेश करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको उनका कलाम जरूर पसंद आएगा। तो पेश खिदमत है जनाब सागर की ये नज़म। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। Yeah.
आपके। कौड़ी कौवाड़ी हड़ा हड़ा। अयो राम लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी आते जी। कोई नहीं देखता डाला अंदर। अरे मुत्तो कौड़ी कौवाड़ी हर। अयो रामा, अयो रामा, अयो चवन्नी, ये आजकल भिखारी भी नहीं लेता, हम लेता। लक्ष्मी को ना नहीं बोलना है। मुत्तो कौड़ी कौवाड़ी हड़ा, सबसे बड़ा रुपया नहीं, ज्यादा लालच अच्छा नहीं। आकाश सर जी, सर जी, सर जी, देखो तुम्हारे पैंट में 50 रुपए का नोट मिला जी। रख ले, रख ले, पूछ के लेना, अच्छा रहता है जी। अमन किधर है? अमन सर तो सुबह सुबह रेडी होकर के बाहर चला गया जी। अयो अयो, 5 पैसा इस पैंट में शेयर बढ़ता, इसमें घटता, ये 5 पैसा अच्छा नहीं। अयो, इसमें बहुत माल लगता है जी। ये तो किसी शो का टिकट लगता है जी। है और भी बासी, हमको नहीं मांगता, जान दे। सब पैसा खत्म हो गया। ये तुझे कहां से मिला? ये अमन सर जी के पैंट में से मिला जी। अमन को आना होता तो मेरे साथ नहीं आता वो। मैंने उसे अभी अभी वहां देखा था। वहम है, वहम। आज शाम को आर्किटेक्ट घर आ रहा है, उसके साथ मीटिंग है, तू चले जाना, मैं नहीं आ सकता। आखिर अमन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या कारण है? वो आजकल मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है ना पूजा बिटिया? आजकल परदेसी बाबू नजर नहीं आते, वापस लौट गए क्या? नहीं तो। पूजा, ये किसकी बात कर रहे हैं? अमन की। क्या ये अमन को जानते हैं? अजी साहब बहादुर, हम सारी दुनिया भूल सकते हैं लेकिन ऐसा ग्राहक नहीं भूल सकते। वो अक्सर यहाँ आते थे और अपना वक्त बिताते थे और हमारे धंधे को चार चाल लगा देते थे। तो कैसे? वो ऐसे साए इधर नजर उधर, साए इधर नजर उधर, और बिल 30 रुपया चार आने। क्यों पूजा बिटिया? लेकिन तुम क्यों हंस रही हो? वो क्या हुआ, जब ये बात मुझे काका से मालूम पड़ी तो मैं अमन की खबर लेने सीधा यहाँ चली आई। लेकिन जब उन्होंने तुम्हारे बारे में जिक्र किया कि तुम उन्हीं के शहर के हो, उनके रोज के मिलने वालों में से हो, तो मेरा गुस्सा एकदम गायब हो गया। और तो और, उन्होंने तुम्हारा जिक्र भी यही किया था और तुमसे मिलवाने का वादा भी यही किया था। अमल अक्सर यहाँ बैठकर
पूजा की दुकान की तरफ क्यों देखते रहता था? जहां तक मेरा ख्याल है, अमन किसी सागर नाम के शायर को जानता ही नहीं, और अगर जानता होता तो ये राज अपने जिगरी दोस्त से कभी न छुपाता। बारिश तो रुकने दो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अगर और देर हो जाएगी तो गजब हो जाएगा। आपसे अपना तारुफ खुद करवाती है। नाम है पूजा, उठी के विल्सन कॉलेज में पढ़ती हूँ। आपके शेर व शायरी की मुरीद हूँ। अक्सर सहेलियों को आपका कलाम पढ़कर सुनाती हूँ। सुनकर जब आपकी तारीफ करती हैं, तो दिल खुशी से झूम उठता है। जनाब सागर साहब, आज आपकी नज़म गाकर जो शोहरत हासिल हुई, उसके असली हकदार आप हैं, क्योंकि ये आपके ही अनमोल खजाने में से थी। इनाम लेते हुए खींची गई तस्वीर की कटिंग भेज रही हूँ, और आपके लिए एक तोहफा। हुजूर अमन साहब और सागर अनीस का सलाम, कामयाबी पर कामयाबी मुबारक हो। आपका लिखा हुआ नया एडिशन तूफान सागर खूब जोर शोर के साथ बिक रहा है, जिसकी सारी रॉयल्टी आपके हुक्म के मुताबिक मैं फादर डिमेलो के स्कूल में बावक पहुंचा देता हूं। आपका हमराज अनीस। सकता है तुम इस हकीकत को जानने के बाद मुझे कभी माफ ना करो तो सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाना, और अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं समझूंगा तुम्हें मेरा प्यार मंजूर है। अब मेरी समझ में आया कि पूजा मुझे आज तक सागर क्यों समझती रही। अपनी दोस्त की मोहब्बत का हत्यारा, आकाश तूने अपनी दोस्त की जिंदगी में जहर घोल दिया, आकाश
तू दोस्ती के नाम पे ऐसा बदनामा दाग है जिसे तू तो क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता। नहीं, नहीं। वेटर, यस सर, बोतल ला के यहाँ पर रख दो। माफ कीजिएगा सर, आप पहले काफी पी चुके। देखो जो मैं कहता हूँ वो करो, पार्टली ला के यहाँ पर रख दो यार। ओके सर। जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल। वेटर, यस सर, एक बात बता, जिस नाम का लेबल है इस बाटली पर उसी नाम की शराब भी है ना अंदर? जरूर है। लेकिन अगर लेबल कुछ और हो और शराब कुछ और हो तो ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन अगर हुआ तो ये तो धोखे वाली बात होगी। धोखा? अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही है, धोखा ही तो हुआ ना यार। ऊपर लेबल कुछ और, अंदर शराब कुछ और, पीने वाला धोखे में तो पिलाने वाला धोखे में, लेकिन बनाने वाला ठहराना धोखेबाज। तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? अरे अरे, इन्हें क्या? आकाश, 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 क्या हालत बना रखी है? मेनका, तो क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हुआ, बस थोड़ा सा लेबल का हेरफेर हो गया। ये देखो, इसका सारा लेने आया था, इसने भी धोखा दे दिया। चलो चलो मेरे साथ चलो। बहुत प्यार। कौन है? सर जी मैं लक्ष्मी। मैं समझा आकाश है। आकाश सर जी तो रंगीन आदमी है जी, कहीं ना कहीं रंग जमाते होंगे। आप अपनी नींद क्यों खराब करता है जी, खाना खा के सो जाओ। नहीं लक्ष्मी, मैं आकाश का इंतजार करूंगा। लेकिन सर जी आकाश है। बोला ना लक्ष्मी, मुझे आदत है उसका इंतजार करने की, तुम जाके सो जाओ। ओके गुड नाइट सर। आकाश, ये क्या हुआ? कहाँ था तू? तू ठीक है ना? हाँ अब ठीक हूँ। आखिर हुआ क्या है? धोखा। धोखा? हाँ, साकिना जाने किस मोहब्बत में असली लेबल दिखा दिखा कर नकली जाम पिलाता गया। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो उसकी भी यही हालत होती। नकली जाम, साकी, धोखा, आखिर ये सब क्या है? क्यों? मेरी आंखों में तुम्हारे इस क्यों का जवाब है। जब कभी पढ़ लोगे तो तुम्हें इस क्यों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अरे तू मुझे अपनी आंखों से क्या पढ़वाना चाहेगा? तू तो अभी तक नशे में चूर है। अपने कपड़ों की हालत देख, ये सब किस लिए आकाश? पता है तेरी फिक्र में मैं रात भर सोया नहीं, सब जगह फोन किया, पूजा को भी नहीं पता था कि तू कहां है। मुझे सिर्फ इतना बता दे यार कि तू कहां अटका हुआ था। वही जहां मुझे शायद हमेशा अटके रहना चाहिए था। आकाश, क्या तू वही आकाश है? नहीं, मैं वो आकाश नहीं हूं, क्योंकि अब इस आकाश पर छाए हुए बादल हट गए हैं और सूरज की किरणों में उसे हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। आकाश,
अपनी आंखों पर, लेकिन मैंने ये सब देखा है। They were behaving like lovers. हेलो, कौन चमेली? मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा जी, बोलिए जी। क्या मैं आकाश से बात कर सकती हूँ? आकाश सर जी तो घर में नहीं है जी। कहाँ गए हैं? मालूम नहीं, बोल के नहीं गए जी। अमन है? अमन जी तो साइड पे चले गए जी। ओ। वैसे तो जिंदगी में बहुत तैराकी की है, लेकिन तुम्हारे साथ तैरने का मजा कुछ और ही है। आकाश, तुम जितने ही नशीले हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी बातें नशीली हैं। सुनकर नशा सा छा जाता है। Really? क्या हुआ? तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अभी तो कितने रोमांटिक थे और अभी मूड ऑफ कर लिया, क्या बात है? तुम रूम में जाओ, मैं आता हूं। मुझे माफ कर दे पूजा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तुझे मेरी जिंदगी से पूजा से बात कर सकता हूँ? एक मिनट। पूजा, पूजा, अमन का फोन है। हेलो। हेलो पूजा, मैं अमन बोल रहा हूँ। तुम आकाश से मिली? नहीं। क्यों, तुम आकाश से क्यों नहीं मिली पूजा? जरूरत ही नहीं रही। हेलो पूजा, पूजा, हरी दे
सिखा देना देख के मुझे तेरा पल के छुपा देना याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा मुश्किल है आकाश प्यार का नाटक करना उसे कहीं ज्यादा कठिन है हाँ? हाँ आकाश तुम सिर्फ मुझे ही नहीं उस बेचारी पूजा के साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हो धोखा हाँ धोखा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी मेरी क्या अहमियत है आगे क्या समझ रखा है तुमने मुझे तुम्हारी इश्क की शतरंज का एक मामूली समारा जिसे तुम जब चाहो जहां चाहो इस्तेमाल कर सकते हो मेनका जो खुद तकदीर के हाथों मोहरा बन के रह गया हो वो भला किसी और को क्या मोहरा बनाएगा इन बचकानी तरीकों से तुम सिर्फ मुझे ही नहीं अपने आप को भी पूजा की नजरों में गिरा रहे हो एक औरत को दूसरी औरत के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो आखिर क्यों क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब किसी की मोहब्बत की लायक ही नहीं रहे हाँ हाँ मैं गिर गया हूँ अपनी नजरों में गिर गया हूँ मैं वो बेरुपया जो दूसरे का नाम उधार लेकर उसी के नाम पर डाका डाल रहा हूँ देखो मेरी जिंदगी इतनी उलझ गई है कि अब उसे सुलझाने वाला भी तुम्हारी तरह उलझ कर रह जाएगा देखो मुझे अपने हाल पर छोड़ दो तुमने बेशक कभी मुझे अपना ना समझा लेकिन मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं माना दिल में जब दर्द ज्यादा बढ़ जाता है इंसान कभी कभी उसी में डूबकर मर जाता है हम प्यार ना सही दर्द तो बांट सकते काश तुम मुझे समझ सकते इसे पहन लो बेटी हमारे खानदान की निशानी है जो होने वाले बहू को दी जाती है आज से इस पर तुम्हारा अधिकार है बेटी कई दिनों से देख रही हूं तू खोई खोई सी रहती है आखिर बात क्या है कुछ भी तो नहीं मां सब कुछ ठीक है सब ठीक नहीं है बेटी तू अपना दर्द दुनिया से तो छिपा सकती है पर अपनी मां से नहीं क्योंकि दर्द के रिश्ते का जन्म भी उसी समय हुआ था जिस समय मैंने तुझे जन्म दिया था हाँ बेटी मुझसे ज्यादा तेरा दर्द और कौन समझ सकता है अपने आप को संभाल सब ठीक हो जाएगा आकाश
अंदर कितना मजा आ रहा था, तुम भाग क्यों चले आए? मैं इनका आजकल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पूजा, वाह आकाश साहब, क्या खूबसूरत अंदाज है प्यार का, वही घिसा पिटा हजार बार दोहराया हुआ। ना आप बदले ना आपका प्यार, सिर्फ शक्लें बदलती गई, दिल टूटते गए, लेकिन आप अपनी जगह कायम रहे। प्यार करना तो कोई आपसे सीखे। बाय द वे, ये आपकी बॉम्बे वाली फैन है ना? फैन? ये क्या कह रही है? मैं इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये जरूरत से ज्यादा भोली है। मैंने इनसे सिर्फ एक छोटा सा झूठ कहा था कि मैं इनका सागर हूँ और इन्होंने यकीन कर लिया। नफरत है मुझे तुमसे। यकीन नहीं आता तो इस नाटक के राइटर अमन वर्मा से जाके पूछिए। अमन? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं करेगा तो क्या मैं करूंगा? चाहिए उसी से पूछिए, उसी ने किया है। चाहिए मैं आपका सागर वगैरह नहीं हूं। ये रख लो, शायद इनके काम आ जाए। पूजा। नहीं मिलका, उसे मत रोको, वो आज अपने सागर से मिलने जा रही है। तुम? आज कुदरत ने भी तुम्हारा खूब साथ दिया। अंधेरे में शर्म से तुम अपना मुंह तो छुपा सकते हो, रोशनी में शायद तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। लेकिन पूजा, मैं तुमसे अपने दिल का सारा हाल बयां करती रही, तुम्हें अपना हमदर्द, अपना हमराज, एक अच्छा दोस्त समझकर। कितना नाज था मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर। तोड़ दिया तुमने मेरे विश्वास को, क्या खूब सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। मैं लुटती रही और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। सिर्फ तमाशा ही नहीं, तुमने मेरे प्यार को सरे बाजार नीलाम कर दिया है। किस हक के बिना पर तुमने अपने आवारा दोस्त को मेरी जिंदगी में सागर बनाकर भेजा और मुझे एक दिल बहलाने का खिलौना, जब जी चाह खेला और दिल भर गया तो तोड़कर फेंक दिया। क्यों किया ये सब कुछ तुमने? क्या मिला तुम्हें झूठ बोलकर? अपने अमीर दोस्त की शाबाशी, जिसके एहसानों तले तुम्हारी जिंदगी दबी हुई है, या अपनी सुनी जिंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए एक रोमांचक कहानी? बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा है, पूछता है व्हाट्स द प्रॉब्लम? पूजा की जिंदगी से खेलकर तुझे शर्म नहीं आई? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? ओह, मैं तो सोचा कोई तूफान आ गया था। अगर तूफान आता तो थम जाता, तूने तो कहर डाल दिया है। रिलैक्स है, रिलैक्स, तू तो मुझे अच्छी तरह से जानता है। मेरी जिंदगी में न जाने कितनी पूजा आई और गई,
और वैसे भी अगर किसी का प्यार मेरे लिए बेड़िया बन जाए तो मैं इसे तोड़ दिया करता हूं। आकाश, इसीलिए आज तक जो तूने किया वो सब झूठ था, फरेब था, नाटक था। पूजा से प्यार का दावा एक नाटक था, उसके प्यार का मुझे यकीन दिलाना एक नाटक था, माँ और बाबा के सपनों का साकार करना एक नाटक था, उसकी माँ को शादी का रिश्ता भिजवाना वो भी नाटक था। हाँ हाँ, वो सब नाटक था आकाश। वाह दोस्त वाह, आज दोस्त के गरेबान तक भी हाथ पहुंच गया सिर्फ एक पूजा के लिए। मैं पूछता हूं, ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसे हमारे बचपन से लेके आज तक के दोस्ती के रिश्ते को भुला दिया? दोस्ती 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 मोना, की तेरी दोस्ती की वजह से मुझे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिला, मगर मेरा भी तो कुछ है, मेरा जमीर, मेरी खुददारी। तेरी ये जलील हरकत ने मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है। मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है तेरी वजह से, मुझे शक और रुसवाई के कटहरे में खड़ा कर दिया गया तेरी वजह से। आकाश आकाश, अगर मुझे पता होता कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़े तो मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ कभी ना बढ़ाता। किस दोस्ती की बात कर रहा है तुम? हाँ हाँ, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जो छुपी हुई हो। अरे हम तो वो दोस्त थे जो एक दूसरे में मर मिटते तो भी कम था। फिर तूने आज तक इतना बड़ा राज अपने तक क्यों रखा? मैं पूछता हूं क्यों रखा? कि तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था, या तूने सोच लिया कि अगर राज मुझ पर खुल जाए तो मैं टूट जाऊंगा, बिगड़ जाऊंगा? नहीं अमर वर्मा, आकाश वर्मा इतना कमजोर नहीं है। राज? कौन सा राज? वही राज जिसने हम दोनों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं बताया कि तू पूजा से मोहब्बत करता है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों तूने मेरी सच्चाई को पूजा तक नहीं पहुंचने दिया कि मैं उसका सागर नहीं हूं? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों नहीं बताया कि तू ही पूजा का सागर है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? नहीं, जवाब मैं तुझे देता हूं। तू अपने आकाश को हमेशा खुश देखना चाहता था, मां और बाबा के सपनों का साकार करना चाहता था, इसलिए तूने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि जिस चक्रव्यूह को तूने रचा है उसमें एक नहीं तीन तीन जिंदगी लटक रह जाएगी, मेरी, पूजा की और खुद तेरी। अभिमन्यु तो इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सका, लेकिन तेरे इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मुझे पूजा का दिल तोड़ना पड़ा। क्या अभी तुझे सच्चाई से इनकार है? कहता गिरी की तू ही सागर है, कहता गिरी की तू ही सागर है। हाँ हाँ, मैं ही सागर हूं, मैं ही वो बदनसीब सागर हूं जब पूजा से प्यार करते हुए भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सका। लेकिन जब मुझे पता चला कि तू भी पूजा से प्यार करता है तो मैंने अपने ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को अपने सीने में दफन कर दिया। अरे बचपन से लेकर सुख दुख मेरे साथ आंख में चोली खेलते रहते हैं, लेकिन दुख का साया तो तेरे से कोसों दूर है। अगर तुझे पूजा का प्यार ना मिलता तो तू ये सदमा हरगिज बर्दाश्त ना कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूंगा। अमन, आकाश आकाश, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं तो वो इंसान हूं जिसे कदम कदम चलने के लिए इस बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, भला मैं किसी का सहारा कैसे बन सकता? आकाश, जिंदगी में तूने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, एक आखिरी एहसान करते दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, पूजा को अपना ले, पूजा को अपना ले। वाह, मानती हूं तुम दोनों की दोस्ती को। दोस्ती क्या होती है ये कोई तुम दोनों से सीखे। अमन साहब, आपको अपने दोस्त की नजरों में महत बनना था ना, सो आप बन गए अपने प्यार की कुर्बानी देकर। और आकाश साहब, आपने तो महानता की हद कर दी अमन साहब को उनका प्यार लौटाकर, लेकिन तुम दोनों ने यह नहीं सोचा कि महानता की इस चक्की के दो पार्टों में पिसकर पूजा का क्या होगा। मेरा प्यार कोई खिलौना नहीं है, जब जी चाह किसी को भेंट कर दिया। मेरी भी अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है, अपना वजूद है। तुमने कितनी आसानी से अपना फैसला सुना दिया अमन, ये भी नहीं सोचा कि जब पूजा का सामना इस हकीकत से होगा तो उस पर क्या गुजरेगी, अपनी नजरों से गिर जाएगी वो, ना अपने आप से वफा कर पाएगी,
और ना ही आकाश से। सिर्फ एक बार कह दिया था कि तुम ही मेरे सागर हो तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देती तुम पर। मर्दों के लिए प्यार जज्बात की किताब का पन्ना पलटना भर हो सकता है और औरत के लिए उसका सारा इतिहास बनकर रह जाता है। और मेरे इतिहास का पन्ना पलटने का हक मैंने किसी को नहीं दिया था, किसी को नहीं दिया था। पूजा, पूजा तुम नहीं जानती अमन मुझसे कितना प्यार करता है। बचपन से लेके आज तक उसने अपनी हर चीज, हर खुशी मुझसे बांटी है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दुनिया में एक ऐसी भी चीज होती है जो बांटी नहीं जा सकती, वो है प्यार, साजन का प्यार। अगर आज तुमने अमन के सच्चे प्यार को ठुकरा दिया तो तुम जिंदगी भर पछतावे की आग में झुलसती रहोगी और वक्त निकल जाने पर तुम कुछ न कर पाओगी, कुछ न कर पाओगी पूजा, कुछ न कर पाओगी। अगर तुझे पूजा का प्यार न मिलता तो तू ये सदमा हरगिज बर्दाश्त न कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूंगा। हाँ मैडम, ये देखिए, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये नहीं, ये दिखाइए। हाँ सुनिए जी, जरा ये देखिए तो कैसे लग रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब है ना। तुम पहनोगे तो दिन में चौदहवीं का चांद नजर आओगी। मैं, आपकी अकल कब ठिकाने आएगी? जब तुम ठिकाने आ जाओगी। क्या कहा? नहीं मतलब तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं है। मेरी पसंद तो हमेशा से ही लाजवाब रही है। अच्छा, बहुत देर बाद पता चला है तुमको। आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, समझे? तो मैंने कहा कि तुम मेरे बारे में कह रही हो। हाय माँ। अरे आकाश। हेलो डैडी। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। कुछ खबर भी नहीं की? आप लोग की याद आई तो चला आया। अच्छा चलो, शुक्र है हम दोनों की याद तो आई। लीजिए संभालिए। अरे देखो वो साड़ी दो आकाश, ये देखो साड़ियाँ पूजा के लिए, देखो ना कितनी खूबसूरत लगेगी इन्हें पहनने के बाद। और ये जेवरा, इन्हें पहन के तो बिल्कुल अप्सरा लगेगी, है ना? माँ औरत की पसंद है, औरत ही जाने। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गया, मैं जाके सो जाता हूँ। अच्छा तुम सो जाओ। हाँ? जी बातें बनाकर तुम अपनी मां को बेवकूफ बना सकते हो, अपने बाप को नहीं। एक बात कहूं, इंसान के अगर दिल पर बोझ हो ना तो उसको कह देना चाहिए। कह देने से वो शब्द बनकर, भाव बनकर जबान की सतह से उड़ जाते हैं। मैंने जिंदगी में तेरी हर जिद मानी है, तेरी हर बात मानी है मैंने। एक बाप बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर, क्योंकि मैं इस चेहरे को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। फिर आज, आज इन आंखों में आंसू क्यों है ये बता। डैडी, कभी कभी दिल के पैमाने में खुशी इतनी बढ़ जाती है कि खुद ब खुद आंसू के छींटे बनकर छलक जाती है। तू झूठ बोल रहा है मुझसे। नहीं डैडी, आप ही ने तो कहा था कि जिंदगी एक बाजी है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, मगर इस बाजी में जीत भी मेरी हुई है और हार भी। यह हवेली दुल्हन की तरह सजाई जाएगी, शहनाइयां बजेंगी, बारात निकलेगी तो लोग कहेंगे किस धूम से निकली है राजीव वर्मा के बेटे की बारात, अमन की बारात। अमन की बारात? हाँ मां, अमन हमारे एहसानों का बदला चुकाना चाहता था। असल में पूजा सागर से प्यार करती है और अमन ही सागर है, और मेरा क्या, मैं तो। अरे यार, तू तो बहुत बहादुर निकला। मुझे नाज़ है तुझ पे बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे भी। अमन, आकाश, तू यहां कैसे? पूजा को लाया हूं उसके साजन से मिलाने। आ, 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 आ,
कसम बहुत प्यार कर।